एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोग का आर्यालय ऑनलाइन क्लासेस में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके सामने हम लेके आए हैं क्लास 12 है, जो कि मैथ होगा। दोस्तों हम लोग सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि मॉडल सेट का आपका कोड है 1 से 324। इससे पहले वाली वीडियो हम आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। आज तक हमारा जो क्वेश्चन होगा, प्रश्न 2 से पहला पार्ट, देखते हैं क्या होगा इसमें दिया गया। दोस्तों से पहला इसमें y is equal to ले लेते हैं साइन इनवर्स है साइन 7π/4। दोस्तों आपको यही क्वेश्चन है, बोला गया इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको यह पता होगा, जैसे कि साइन का जो सबसे बड़ा मान होता है +1 और माइनस तो छोटा मान होता है -1, और जिसके मुख्य मान होता है -π/2 और +π/2 के बिटवीन होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको आपको ज्यादा ही होता है आपको छोटा कर लीजिएगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम राइट कर देते हैं साइन इस तरीके से 2π -π/4। जैसे दोस्तों इसको यहाँ से आप 4 × 8 8 में से घटा देंगे 7π, आपको ये पुनः मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, यहाँ पर हो जाएगा साइन है। अब आप दोस्तों आपको याद होगा जो 2π का मतलब होता है 360 अंश, साइन 360 माइनस थीटा बराबर फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है दोस्तों माइनस, ना तो यहाँ पर आपको सामने आ जाएगा -π/4। अब इसका आपको अंदर कर देंगे इसको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, यहाँ पर हो जाएगा साइन है, अंदर कर दीजिएगा -π/4। आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन माइनस थीटा बराबर दोस्तों होता है -sin θ। इसी रूल से आपको इसको हमने दोस्तों राइट कर दिया, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा -π/4। दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या राइट करना आपको, देखिए यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए दूसरा तो आपको करना नहीं, गा वाला देखिए आपके सिलेबस में नहीं, गा जो दिया गया दोस्तों इसका देखिए यहाँ से आपको दिया गया है 2 घटनाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4। फिर नेक्स्ट आपको है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.8 है। फिर नेक्स्ट आपको है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ है बी बाई ए इज इक्वल टू 0.6 है। तो आपको फाइंड करना दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ है ए यूनियन बी, दोस्तों इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना। चलिए यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए पहले यहाँ से आपको लेके चलते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू पता है आपको, राइट कर देते हैं 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.4। इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6×24 0.24। बस तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए हम आगे राइट करते हैं। यहाँ से देखिए जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है कितना है 0.4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितना है 0.8, माइनस यहाँ से ले लीजिएगा आपको 0.24, दोनों आप ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.2 माइनस 0.24, इसको आप माइनस कर दीजिएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। यहाँ से आपको जो माइनस होगा नहीं, अंदर एक हो जाएगा 10 में 4 में घटा देंगे आपका जाएगा 6, फिर यहाँ पर कितना जाएगा 11 में से 2 जाएगा हो जाएगा 9, तो यहाँ पर पॉइंट दोस्तों आपको इस तरीके से यही आंसर हो जाएगा 0.96। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट का इसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो खंड का घा दिया गया इसमें कितना होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे, देखिए इसमें जो घा वाला होगा कह दिया गया है इसमें कि y इज इक्वल टू, दूसरे का ही क्वेश्चन है दोस्तों, y इज इक्वल टू ए की x है प्लस b
इसमें आपको फाइंड करना है से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां ये और ये दो अचर है। इसमें आपको कितने अचर है दोस्तों, दो अचर है। इसके बाद इसका मतलब आप दो बार इसका अवकलन करेंगे, एक अचर होता एक बार अचर अवकलन करते, तीन बार होता तीन बार अवकलन करके इसको अचर को हमको इसमें से हटा देना है। तो आपको प्रथम बार अवकलन करने पर अवकलन है, अवकलन करने पर दोस्तों चलिए देखिए आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर dy by dx है इक्वल टू a e की x प्लस हो जाएगा b, b का अवकलन अचर जीरो हो जाएगा। फिर इसका पुनः अवकलन कर दीजिएगा, पुनः अवकलन इधर हो जाएगा d2 dx2 of y इक्वल टू a e की x इस